दोस्तों, यदि आपके पास कम पूंजी है या आप एक स्टूडेंट हैं या एक बेरोजगार हैं, आपके पास किसी प्रकार का काम नहीं दिख रहा है और आप सोच रहे हैं कि मेरे पास कुछ पूंजी नहीं है और उससे मुझे बिजनेस करना है, जी हाँ, इसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसके कारण आप कम पूंजी में बड़ा बिजनेस चालू कर सकते हैं। कैसे, किस तरह, जानिए पूरी वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे व्यापार के बारे में बताऊंगा जिसके माध्यम से आप छोटा सा बिजनेस से करके आप बड़ा कर सकते हैं और इसमें आपको ज्यादा पूंजी का जरूरत भी नहीं होगा और इसमें आप अच्छी खासी मुनाफा भी कमा सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर कि कौन सा ये बिजनेस है। इसमें यदि पहला देखी जाए तो पहला है दोस्तों अगरबत्ती बनाने का व्यापार। अगरबत्ती बनाने का व्यापार बहुत ही सफल है और इसे कम पूंजी में बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। अगरबत्ती को मशीन से बनाया जाता है और हाथ से भी। हाथ से बनाने में बहुत समय लगता है और एक दिन आप 20 केजी से ज्यादा नहीं बना सकते हैं। अगर आप अगरबत्ती को मशीन से बनाते हैं तो आप एक दिन में कम से कम 100 केजी बना लेंगे, यानी कि 1 क्विंटल तक आप बना सकते हैं मशीन के माध्यम से। 1 केजी में सब कुछ खर्चा हटा के 12 रुपए का मुनाफा होता है, तो आप जोड़ सकते हैं कि 100 केजी में 1200 रुपए का मुनाफा होगा, वो भी एक दिन में। एक ऑटोमेटिक मशीन की कीमत 1,20,000 रुपया है जिसे एक दिन में 100 केजी अगरबत्ती बनती है। 60,000 की भी मशीन आती है लेकिन उससे एक दिन में 100 केजी नहीं बन पाएगा। यह कम पूंजी वाला व्यापार बहुत ही अच्छा है और आप इससे विचार करें और एक्शन जल्दी लें। दोस्तों, दूसरा यदि देखी जाए तो दूसरा है फूड बिजनेस। फूड बिजनेस यानी कि भारत में रेस्टोरों का बिजनेस हमेशा सफल साबित हुआ है, क्योंकि अच्छा और स्वादिष्ट खाना हर किसी की जरूरत है। खाने पीने का छोटा स्टोक हो या कोई बड़ा रेस्टोर, लोग स्वादिष्ट खाने की तलाश में वहां पहुंच ही जाते हैं। ऐसे आउटलेट या रेस्टोर खोलने में सबसे अहम भूमिका लोकेशन की होती है। जैसे स्टूडेंट एरिया में सस्ते और साफ सुथरे खाने की ज्यादा डिमांड होती है, ऐसे में यहाँ खाने पीने के छोटे स्टॉल या आउटलेट काफी हिट साबित हो सकते हैं। वहीं पोस्ट इलाके में एक शानदार रेस्टोर खोलना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। थीम बेड रेस्टोर की आजकल काफी पसंद किए जा रहे हैं। बिजी लाइफ लाइन के कारण लोगों के घर में खाना बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाता है, इसलिए वे अक्सर फूड आउटलेट या रेस्टोर का सहारा लेते हैं। इसलिए रेस्टोर का बिजनेस हमेशा सफल होता है। खाने पीने के होटल का व्यापार बहुत ही अच्छा है और आप इस व्यापार को कम पूंजी से शुरू कर सकते हैं और बाद में आप इसे धीरे धीरे आगे भी ले जा सकते हैं। दोस्तों, यदि तीसरा व्यापार की बात की जाए तो तीसरा है हैंडीक्राफ्ट या हैंडमेड सामान। यानी कि हैंडीक्राफ्ट या घर में कोई सजावट का सामान बनाने में कोई पूंजी लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये सामान अधिकतर घर में रखी हुई चीजों से ही बन जाती है। ऑनलाइन कई ऐसी जगह मौजूद है जहां आप अपने हैंडमेड प्रोडक्ट आसानी से बेचकर पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन एक ऐसे ही ऑनलाइन मार्केट है जहां आप प्रकृति और ऑर्गेनिक चीजें जैसे कि लोशन, कैंडल, हैंडमेड ज्वेलरी से लेकर बच्चों को खिलौने बनाने तक बेच सकते हैं। ऐसे अन्य ऑनलाइन मार्केट में भी अपनी हैंडीक्राफ्ट बेचकर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। चौथा है अपने सर्विस बेचने का व्यापार करें। कम पूंजी में व्यापार करने का सबसे अच्छा तरीका है सर्विस बेचना। आप किसी भी कार्य में दक्षता रखते हैं, उससे संबंधित सर्विस आप लोगों को बेच सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट की अच्छी जानकारी है तो आप किसी एजेंसी या फर्म को अपनी सर्विस ऑफर कर सकते हैं। जब आप कोई सर्विस देने का व्यापार करते हैं तो यह जरूरी है कि आपका काम और कंपनी का नाम उसके सामने आए। ऑनलाइन कुछ ऐसी वेबसाइट है जो आपके सर्विस को लोगों के बीच फ्री में प्रमोट करती है। इसमें है फीवर, क्रैगलिस्ट, स्किल शेयर शामिल भी है। अब पांचवा और आखिरी है फर्नीचर मैन्युफैक्चरर का व्यापार। यानी कि पिछले कुछ दशकों में रियल इस्टेट मार्केट में आई तेजी के कारण फर्नीचर उत्पादक का व्यापार काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। जब भी कोई नया फ्लैट खरीदता है तो उसे अपना घर फर्नीचर करने के लिए नए फर्नीचर की जरूरत होती है। फर्नीचर उत्पादन और रिटेल बिक्री में प्रॉफिट मार्जिन करीब 15-20% तक है। इसके लिए आपके पास क्रिएटिव कारपेंटर या फर्नीचर डिजाइनर होना चाहिए।
सफा फर्नीचर बिजनेस के लिए वेयर हाउस सुरक्षित होना भी जरूरी है। दोस्तों, अगर आपके पास कम पूंजी व्यापार के लिए विचार है तो आप इस विचार को नीचे हमें कमेंट में बता सकते हैं कि और कौन से विचार आप अपने मन में सोचे हैं, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दे दूंगा। अब व्यापार अच्छी तरह से आप कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और यदि आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को एक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके।